हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हालचाल है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और लास्ट लेक्चर में हमने फ्रूट के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है उसके साथ में वो है सीड। तो अब हम देखते हैं बच्चों डिटेल में द सीड। बच्चों, सीड क्या होता है। सीड प्लांट का वो पार्ट है जो ओवरी के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये डेवलप होता है कैसे, ये डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजिकली राइपन्ड ओव्यूल जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सीड। ठीक है बच्चों। और सीड बेयरिंग प्लांट जो होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं वो क्या है, वो सीडेड प्लांट हैं। और बच्चों, ये सीड बनता कैसे, एक बार पहले हम वो देखते हैं। तो बच्चों, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग जानते हैं। ओव्यूल के अंदर कुछ इस तरीके से दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो इसका फ्यूनिकल होता है वो अटैच्ड होता है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। और ये ओपनिंग जो होती है वो माइक्रोपाइल। ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोपाइल। और बच्चों, ये अटैचमेंट पॉइंट जो है वो होता है हाइलम। और इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एम्ब्रियो सैक जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर, कि कुछ यहाँ पर इस टाइप से तीन सेल्स होते हैं जिसको हम एग एपरेटस बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर होता है सिनर्जिड और एग सेल, यहाँ पर होते हैं एंटीपोडल सेल, और उसी के साथ में यहाँ सेंटर में होता है पोलर न्यूक्लियर, और इस सेल को बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों एंजियोस्पर्म के अंदर। और एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तब इसके बाद में ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चों एक न्यूक्लियस जो होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो इस जो सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियर है उनसे फ्यूज़ होते हैं। तो पीएन एंडोस्पर्म बनाता है, और ये जो है स्ट्रक्चर एग का वो डेवलप हो जाता है जायगॉट में। तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट जो है बच्चों, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड कोट के अंदर। और ये सीड अटैच्ड होगा फ्रूट की वॉल से, जो कि पहले ओवरी की वॉल से अटैच था। यहाँ पे हाइलम होगा, ये माइक्रोपाइल होगा, और अंदर जायगॉट जो है बच्चों वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर। यहाँ पर बनता है एम्ब्रियो, सपोज वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है। और जो दूसरा पार्ट बन जाएगा इसके अंदर वो होगा एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है, जहाँ पर आप देख पाएंगे ये होगा पहले जो आउटर इंटेग्यूमेंट था वो बन गया अब आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट जो है बच्चों उसको हम बोल देते हैं टेस्टा। और इनर सीड कोट जो होता है बच्चों, सेकेंड स्ट्रक्चर इनर सीड कोट बच्चों, ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन ऐसे दो लेयर होते हैं जो किससे बने, जो इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट से बने, इनर इंटेग्यूमेंट। तो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट टेस्टा टेगमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। एग जो है वो जायगॉट में कन्वर्ट होता है, जिससे बनता है एम्ब्रियो, और होता है इसके अंदर एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों, और ये जो अटैचमेंट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम, और ये है माइक्रोपाइल। तो बच्चों, इस तरीके से ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में। ठीक है बच्चों, तो सीड के स्ट्रक्चर को हम देखना कंटिन्यू करते हैं। कि बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्ट ऑफ सीड, सीड के अंदर क्या क्या पार्ट होगा, सीड कोट होगा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले। तो सीड कोट जो होता है वो क्या होता है, सीड कोट इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। और ये किससे डेवलप हुआ, ये इंटेग्यूमेंट से डेवलप हुआ। और जो बायोटेगमिक ओव्यूल होते हैं बच्चों, इसके अंदर जो आउटर सीड कोट होता है उसको हमने क्या बोला, टेस्टा। और इनर सीड कोट को हमने क्या बोला, टेगमेन। यदि कोई ऐसे ओव्यूल से सीड बनता हो जिसमें सिंगल इंटेगमेंट होगा बच्चों, तो यूनिटेगमिक ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर सीड कोट भी एक ही बनेगा। एंड ऑल द स्ट्रक्चर इनसाइड द सीड कंसिस्ट
कंस्टिट्यूट कर्नल। जो सीड कोट के अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल। और बच्चों हाइलम क्या होता है, हाइलम जो है दैट इज कार ऑन सीड कोट विच डेवलप सीड विच थ्रू विच द डेवलपिंग सीड आर अटैच टू द फ्रूट। जैसे कि कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने पी देखा तो पी का फ्रूट मटर जो है वो इस तरीके से इसका फ्रूट है, तो इसके अंदर जो सीड लगे होते हैं बच्चों वो कैसे लगे होते हैं, वो सीड लगा होता है कुछ इस तरीके से। यानी ये सीड जो है वो अटैच्ड होता है किससे, फ्रूट की वॉल पे। तो वो जो स्ट्रक्चर जिससे अटैच्ड है वो है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल का वो पॉइंट जो किससे अटैच्ड है, सीड से, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, हाइलम। यानी यहाँ पर जो आप हाइलम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये सीड में क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जिससे ओवरी की वॉल से अटैच है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा हमने सीड कोट के बारे में कि आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो टेस्टा टेगमेन लेयर बनाएंगे, और इसके अंदर एक पोर होगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू ये वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, और सीड जो है वो जर्मिनेट होता है किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। और हाइलम जो है वो अटैचमेंट पॉइंट है जिसके थ्रू ये अटैच्ड होता है फ्रूट की वॉल से। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड विच रिप्रेजेंट टाइनी फ्यूचर प्लांट। ठीक है बच्चों, एंड एम्ब्रियो जो होता है उसके स्ट्रक्चर में जो मेन एक्सिस होता है उसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम बोल देते हैं, और इसके अंदर एक या दो कॉटिलेडन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट। और बच्चों इसके अंदर जो कॉटिलेडन के ऊपर वाला, जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच है उसके ऊपर वाला पॉइंट जो होता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और नीचे वाला पॉइंट जो होता है बच्चों उसको हम नीचे वाले पॉइंट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीम्यूल ऊपर वाला पार्ट होगा और एपिकोटाइल वाला पोर्शन, और इसके थ्रू जो है वो शूट डेवलप होता है, और हाइपोकोटाइल वाला पार्ट जो होगा वो रेडिकल में प्रेजेंट होता है, और रेडिकल जो है उससे रूट डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि जैसे डाइकॉट सीड है, तो डाइकॉट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। डाइकॉट एम्ब्रियो है तो कितने कॉटिलेडन होंगे बच्चों, दो कॉटिलेडन होंगे कुछ इस तरीके से, और ये कॉटिलेडन यहाँ पर ऐसे अटैच्ड हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बच्चों, जिससे शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होगा, वो क्या होता है, इसको हम बोल देंगे कि ये है प्लीम्यूल, और ये वाला पोर्शन जो है बच्चों वो क्या है, वो है रेडिकल। और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये है इसका कॉटिलेडन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो डाइकॉट सीड की होती है, जहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो प्लीम्यूल, रेडिकल और कॉटिलेडन जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कॉटिलेडन के जॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है बच्चों, यानी ये इतना पार्ट, इसको बोलेंगे हम एपिकोटाइल, और ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन होगा बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो इस टाइप का एम्ब्रियो होता है किसके अंदर, डाइकॉट प्लांट के अंदर। यदि हम मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो की बात करें बच्चों, तो वहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर होगी वो देखते हैं हम, कि वहाँ पर मोस्टली मोनोकॉट की बात करें हम, तो यहाँ पर कॉटिलेडन का नंबर क्या होगा, वन होगा, वन कॉटिलेडन होता है। सेकेंड कॉटिलेडन का रेमिनेंट जो होता है बच्चों उसको हम एपिब्लास्ट बोल देते हैं। और ग्रास फैमिली के अंदर क्या देखते हैं हम, कि ये कॉटिलेडन जो है वो शील्ड शेप का होता है, जिसे हम स्कूटेलम भी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो कवरिंग होगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बच्चों, इस कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, जो प्लीम्यूल के ऊपर होगा वो एपिकोटाइल होगा, जो रेडिकल के ऊपर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो प्लीम्यूल के ऊपर जो होगा उसको कॉलेप्टाइल बोल देंगे, और रेडिकल के ऊपर जो होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, कॉलियोराइजर। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये है प्लीम्यूल, ये स्ट्रक्चर है रेडिकल, प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग कॉलियोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर की कवरिंग कॉलियो राइजा, सिंगल कॉटिलेडन, इसको हम स्कूटेलम भी बोल देते हैं, किसके अंदर, ग्रास फैमिली के अंदर, पोएसी के अंदर। और सेकेंड कॉटिलेडन का रेमिनेंट जो है बच्चों वो है एपिब्लास्ट। और बच्चों ये जो मेन एक्सिस है इसका, ये जो देख रहे हैं आप एम्ब्रियो का एक्सिस, ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर भी ये जो एक्सिस होगा बच्चों, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है बच्चों, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या, टिगेलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसको बोल देते हैं हम टिगेलम।
ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो की। ठीक है बच्चों, प्लीम्यूल जो है उससे क्या बनेगा, फ्यूचर शूट, शूट बन जाएगा, और रेडिकल है फ्यूचर रूट, जिससे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बच्चों एम्ब्रियो के अलावा अब होगा क्या, एंडोस्पर्म, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो जायगोट जो है वो तो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, और जो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू पीईएन बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, वो डेवलप होता है किसमें, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब यदि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हुए कंज्यूम हो जाता है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और यदि वो प्रेजेंट रहता है तब हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहले हम बात करें किसकी बच्चों, सबसे पहले हम बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं बच्चों। इस सीड के अंदर क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है किसको, एंडोस्पर्म को। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकॉट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट ग्राम, पी, ग्राउंड नट जो है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि हम बात करें कि क्या कोई डाइकॉट ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो बच्चों कुछ डाइकॉट ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोलेनेसी के मेंबर। और क्या कोई मोनोकॉट ऐसा है जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है ऐसा कुछ, तो बच्चों एक एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ऐसे ही बच्चों दूसरा टाइप हम बात करें यहाँ पे एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। मोनोकॉट के अंदर मोस्टली क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक्सेप्शन डाइकॉट में है, कैस्टर जो है तो होता है वो, और उसके अलावा सोलेनेसी के मेंबर, कैस्टरबीन एंड सोलेनेसी के मेंबर जो होते हैं उनके अंदर भी जो सीड होता है वो कैसा होता है, वो एंडोस्पर्मिक टाइप का होता है, एंड मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो जैसे राइस, वीट, मेज, ये सब कैसे होंगे, ये सब एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड के अलावा एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है, जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो न्यूसेलस ग्रेजुअली डिसअपेयर हो जाता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यदि किसी सीड के अंदर न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट कर जाए या न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट रहे तो हम ऐसे सीड को क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिस्पर्मिक सीड। और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्लैक पेपर, पाइपर नेग्रम जो है वो, कैस्टर जो होता है बच्चों, कैस्टर भी पेरिस्पर्मिक होता है, बीट जो होता है शुगर बीट वो भी पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं उनके अंदर। तो इस तरीके से कुछ सीड जो होते हैं उनके अंदर पेरिस्पर्म यानी कि न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट करता है, और ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा कैस्टर सीड के बारे में एक और यदि मैं आपको खास बात बताऊं, तो कैस्टर सीड जो होता है, कैस्टर जो है वो डाइकॉट है, और उसमें सीड में नॉर्मल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म वगैरह प्रेजेंट है, उनके अलावा इस सीड के माइक्रोपाइल के पास में एक आउटग्रोथ भी होता है, वाइट कलर का आउटग्रोथ, और इसको बोलते हैं बच्चों हम कैरंकल। कैरंकल इज द आउटग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड इट कंटेन्स शुगरी सब्सटेंस, शुगर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मिर्मेकोकोरी यानी एंट के थ्रू सीड डिस्पर्सल, कोरी वर्ड जो होता है बच्चों वो सीड डिस्पर्सल के लिए होता है, मिर्मेकोकोरी यानी इंसेक्ट के थ्रू या स्पेशली एंट के थ्रू सीड डिस्पर्सल जो होगा उसको हम मिर्मेकोकोरी बोलते हैं। तो यहाँ पर मिर्मेकोकोरी जो होता है वो कैरंकल की हेल्प से होता है। तो बच्चों अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर मेज सीड का, मेज सीड का एक डिटेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। तो बच्चों मेज का जो सीड होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, यहां पर इस सीड के अंदर जो आउटर पार्ट होता है वो सीड कोट और पेरिकार्प जो है उसके फ्यूज़ होने से बना है, यानी मेज सीड के ऊपर जो आप एकदम थिन फिल्म जैसे देखते हैं, एक बहुत ही थिन लेयर जैसी होती है, ये लेयर जो है ये लेयर ओवरी की वॉल यानी फ्रूट वॉल, पेरिकार्प और सीड कोट दोनों के फ्यूज़ होने से बनती है। यानी ये वाली लेयर क्या है बच्चों, ये लेयर है पेरिकार्प प्लस सीड कोट, और इसके अंदर यदि हम बात करें तो फिर से सीड जो है उसके अंदर दो पार्ट होंगे। कौन कौन से वो दो पार्ट होंगे, एक होगा इसका एम्ब्रियो और एक होगा एंडोस्पर्म। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंडोस्पर्म होता है, इस एंडोस्पर्म का आउटर लेयर जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, और ये जो आउटर लेयर है जो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है बच्चों, इस लेयर को हम बोल देते हैं एलुरॉन लेयर, यानी कि
जो मेल सीड होगा उसके अंदर एंडोस्पर्म में आउटर प्रोटीनेशियस लेयर जो होगा, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म जो होगा बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर के अंदर वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये है एंडोस्पर्म, कौन सा, स्टार्ची एंडोस्पर्म। और बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, एल्यूरॉन लेयर और स्टार्ची एंडोस्पर्म, ये दोनों लेयर क्या होंगी, ये दोनों लेयर 3N होंगी, क्योंकि ये एंडोस्पर्म है, ठीक है बच्चों। और अब एम्ब्रियो की यदि बात करते हैं, तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर लाइक एनी मोनोकॉट एम्ब्रियो यहाँ पर भी होती है, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक प्लीम्यूल होगा, एक रेडिकल होगा, शील्ड लाइक कॉटलीडन होगा, और सेकेंड कॉटलीडन का रेमिनेंट जो होता है वो एपिब्लास्ट होता है। और जो प्लीम्यूल और रेडिकल है बच्चों, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल रहे थे, प्लीम्यूल के ऊपर कॉलिप्टल और रेडिकल के ऊपर कॉलियोराइजा। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, ये है एम्ब्रियो, ये 2N स्ट्रक्चर होता है। जबकि एल्यूरॉन लेयर की यदि हम बात करें और स्टार्ची एंडोस्पर्म की बात करें, तो ये लेयर जो है वो 3N, ये पार्ट जो है वो 3N होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है मेल सीड के अंदर। आउटसाइड ऑफ द ग्रेन सिंगल थिन हार्ड कवरिंग, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सीड कोट और टेस्टा एंटेगमेंट एंड द फ्रूट वॉल ऑफ और पेरिकार्प। तो सीड कोट और पेरिकार्प इनके फ्यूज होने से बना है ये बाहर लेयर, ये वाला। फिर उसके बाद में बिलो द ग्रेन कवरिंग देर आर टू स्ट्रक्चर्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो बच्चों आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो इस पेरिकार्प के अंदर प्रेजेंट हैं और सीड कोट के अंदर प्रेजेंट हैं। एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एंडोस्पर्म के अंदर क्या क्या बच्चों, एक तो एल्यूरॉन लेयर एंड मेनली स्टोरेज का काम जो है वो करते हैं। द स्टोरेज रीजन लाइज इमीडिएटली बिलो द ग्रेन कवरिंग। द सेल्स हैव थिक वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म फिल्ड विद एल्यूरॉन एंड प्रोटीन ग्रेन। बच्चों इस लेयर की बात करें, यहाँ पर बहुत सारा प्रोटीन ग्रेन होता है इसलिए। और ये जो एल्यूरॉन लेयर होता है बच्चों, यही एंजाइम्स बनाते हैं। कौन से एंजाइम, जो हाइड्रोलाइजेज होंगे, अमाइलेज एंजाइम, वो कौन बनाएगा, वो ये प्रोटीन लेयर बनाएगा। यानी कि एल्यूरॉन लेयर के लिए बात कर रहे हैं कि एल्यूरॉन लेयर प्रोड्यूसेस एंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रेन जर्मिनेशन। और उसके अंदर वाला अब पार्ट जो होगा वो क्या होगा, वो स्टार्ची पार्ट होगा। एम्ब्रियो जो है उसके अंदर रेडिकल प्लीम्यूल होगा, सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन होंगे एंड टू प्रोटेक्टिव शीट्स रेडिकल के ऊपर कॉलियोराइजा एंड जो प्लीम्यूल होता है बच्चों उसके ऊपर कॉलिप्टाइल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस सीड के रिलेटेड। क्वेश्चन है कि एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज सीड स्टोर्स। एल्यूरॉन लेयर मेनली क्या होता है बच्चों, प्रोटीनेशियस होता है, तो क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। एंड इट इज ट्रिप्लॉयड 3N इनप्लॉयडी लेवल। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के विद रेस्पेक्ट में ऑड, यानी कि कौन सा एंडोस्पर्मिक है। बच्चों यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हुए डाइकॉट प्लांट के, बट हमने पढ़ा था कि डाइकॉट प्लांट में एक्सेप्शनली कैस्टर और सोलेनेसी के मेंबर जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक, सॉरी एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो कैस्टर एंडोस्पर्मिक हो जाएगा, ये तीनों नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे। स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट इज कॉल्ड। यानी सीड कोट के ऊपर स्कार जिससे वो अटैच था फ्रूट वॉल से, बच्चों वो क्या था, वो हाइलम था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने सीड के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो देख ली। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब इस चैप्टर में फैमिलीज़ के बारे में, जो फैमिलीज़ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।